अब सबका फिर से स्वागत है गाइज हमारे चैनल पे। मैं ओकाश सिंह गाइज, और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग एक बैटल में जहाँ पर हमारे अगेंस्ट है डार्क लव। तो भाई डार्क रहा यहाँ पर है, तो गाइज मैं हमेशा बताता हूँ मेरे को डार्क रहा से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्लीप से थोड़ा सा है। तो यहाँ पर इसके बाद डार्क रहा है और ये पहला मूव डार्क वॉइड यूज़ करता है, सॉरी जी मूव यूज़ करता है, पर हमें ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं। स्नोलेस का स्पेशल डिफेंस जो है ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है कंपेयर टू हमारे बाकी सारे पोकेमॉन्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ब्लॉक लगाते हैं, इस पोकेमॉन को पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि ये पोकेमॉन गया तो उसका पूरा टीम गया, इसी टीम में यही पोकेमॉन है, नहीं तो उसके पूरे टीम को हमारे किसी भी एक पोकेमॉन ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर मड स्लैप लगाते हैं। ठीक है, -6 एक्यूरेसी हो जाएगी इसकी, उसके बाद हम लोग गेंगार लेके आ जाएंगे, खेल हो जाएगा ख़त्म, या फिर हम लोग इसे बाइड भी लगा मार सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर फिशर ट्राई किया और लकीली वो हिट हो गया। ठीक है, तो चलो डार्क ट्राई पर फिशर लगाना लाजमी होता है, दोनों पोकीमोन एक ही है, मतलब दोनों मूव्स और पोकीमोन एक जैसे ही हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं गेंगार। मैंने यहाँ पर पहले ही भाप लिया कि ये बंदा नेक्स्ट लेके आएगा कोई ऐसा पोकीमोन जो थोड़ा तंग करे, और सलग्याली वही होगा उसके टीम में, लौता ये पोकीमोन है जो थोड़ा तंग करने लायक है। तो मैं यहाँ पर टॉन्ट नहीं लगा, तो मैं जानता हूँ ये बंदा यहाँ पर रोर वगैरह यूज़ करेगा नहीं, पहले ये बल्कअप भी करेगा क्योंकि इस पर भी बल्कअप अर्थक्वेक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नॉकआउट डाल दिया, फिर विलो विश डाल दिया, अब खेल खत्म। ये बंदा भाग गया और इतने तेज़ भागा मेरे को दिखाई भी नहीं दिया। ठीक है, हम लोग और एक बार इससे बैटल करते, और एक बार ये हमको मिला था। ठीक है, तो ये रहा फिर से। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको सही से याद है हम लोग अगली बार स्नोलेस लेके आते हैं, तो इस बार हम लोग शुरुआत में ही गेंगार का जी मूव यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा थोड़ा और गुस्से में होगा ही ऑब्वियसली। हम लोग यहाँ पर उसका गेंगार डार्क रेज को वेस्ट कर देंगे हमारे गेंगार से। जी मूव पड़ गया, अब ये धीरे धीरे मर जाएगा। ठीक है, जब 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 ये अब डार्क बोर्ड यूज़ करेगा, हमें बस स्नोलेस को लेकर खड़ा कर देना है और खेल हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्नोलेस लेके आता हूँ, मेरे को लगता है ये जी मूव लगा के शायद गेंगार को ख़त्म कर दे, और गेंगार ज़रूरी है उसके सलग्याली को मारने के लिए। ठीक है, वो स्टेलर टाइप पोकेमॉन है, थोड़ा समझ सकते हो, उसके अनवेयर एबिलिटी है, तो उसको मारना इतना ईजी होगा नहीं। तो गेंगार एक लौता पोकेमॉन है मेरी टीम में जो उसे मार सके, सलग्याली भी है, मतलब सॉरी मैं बोल रहा हूँ स्नोरलैक्स भी है, फिशर से मार सकते हैं, पर अगर फिशर हिट नहीं हुआ 5 के 5, मैंने बहुत बार देखे मिस होते रहते हैं, तो मैं रिक्स नहीं लेना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पर जब गेंगार आता है, मैं सबसे पहले इंफास्टेशन लगाता हूँ क्योंकि मेरा स्वंपर आराम से किल कर सकता है, बर्न होने के बाद भी आराम से किल कर देता है गाइस, मैंने बहुत बार दिखा है। तो हमने यहाँ पर इंफास्टेशन लगा दिया, अब हम लोग रुकेंगे, एक फिशर स्लैस लगाएंगे, उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। मेरे को पता है उसके बाद डेस्टिनी बॉन्ड है, तो वो आसानी से मारने की कोशिश करेगा, पर हम लोग यहाँ पर काउंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे कि इंफास्टेशन को ऑटोमेटिकली मार दे, नहीं तो वो रेस्ट यूज़ करे जिससे हम लोग और एक बार फिशर स्लैस लगाए और उसका पोकेमॉन का खेल हो जाएगा ख़त्म। अब हम लोग यहाँ पर काउंटर यूज़ करते रहते हैं और वो बार बार अपना डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ करता रहता है। ठीक है, मेरे को बस पीपी वेट करना है कि कब डेस्टिनी बॉन्ड का 5 ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं उसका ख़त्म कर दूंगा। तो अभी देखते हैं गाइस, इसने यहाँ पर रेस्ट यूज़ कर लिया और इंफास्टेशन का जो बाइंड इफेक्ट है वो भी चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर और एक बार इंफास्टेशन लगाता हूँ, मैं यहाँ पर कोई मूव वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं जानता हूँ ये पोकेमॉन बदलेगा। ठीक है, अगर फ्री हुआ है, उसका डिफेंस -1 हुआ, तो ज़रूर बदलेगा वो, और वो लेके आता है लुकारियो। अब भाई लुकारियो पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, अब ये मोल्ड ब्रेकर है हमारे पास, तो आराम से जी मूव लगाते हैं, 4 करोड़ एबिलिटी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर जी मूव भी लगा दिया, बहुत तगड़ा डैमेज पड़ा है उसको। तो उसका लुकारियो जो ऑलमोस्ट डेड हो ही चुका है, ठीक है, जी मूव मारा, मेरे को लगा था किल कर देगा अटैक +2 के साथ, आराम से कर देना चाहिए था, फिर भी बहुत अच्छा डैमेज दिया शायद। अब हम यहाँ पर रेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि हम काउंटर भी यूज़ कर सकते थे, पर हमारे स्वंपर्ड का थोड़ा एचपी कम हो जाता और मैं बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूँ, मैं 6-0 से जीतना चाहता हूँ गाइस इससे। और यहाँ पर मैं अगर चाहता तो काउंटर यूज़ करके खेल ख़त्म कर सकता था, पर हमने बेकार में इंफास्टेशन ही यूज़ कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने फिर से हम लोगों ने काउंटर यूज़ किया और उसका लुकारियो हो गया ख़त्म, मतलब 2 पोकेमॉन उसके टीम के ख़त्म, सलग्याली भी कुछ कर नहीं पाएगा, गेंगार है वो भी ख़त्म, और रहा मोबाइल, वो अकेले उसके सारे पोकेमॉन जितने बच्चे उनको ख़त्म कर देगा, तो ये भी हार गया, मतलब ऑलमोस्ट हार ही गया। फिर देखते हैं, थोड़ा देर यहाँ पर ऐसा रुका है, मेरे को लग रहा है शायद ये इसने एस्केप किया या फिर डिस्कनेक्ट किया है, कुछ किया है, पर नहीं तो इतना समय नहीं रुकता है नॉर्मली गेम, इधर आप जल्दी जल्दी एस्केप कर दे तो ऐसा होता है, या फिर आप डिस्कनेक्ट कर दे तो ऐसा होता है। तो नेक्स्ट बंदा कौन है गाइस, तो नेक्स्ट है यहाँ पर FF राम, और ये सबसे पहले अपने म्यूजिशियन को भेजता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिक्स नहीं लेता, मैं यहाँ पर मोबाइल को लेके आता हूँ, इसके बाद सार्की मूव है मेरे को पता है, और वो घोस्ट टाइप पर इफेक्टिव सुपर इफेक्टिव होता है, तो इसने वही यूज़ किया, इसने साइकिक यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइज, मैं यहाँ पर ब्रिक ब्रेक लगाता हूँ। ठीक है, मेरे को पता है कि इसके बाद वो चार्जर अपना एलॉय चार्जर लेके आएगा, और उस पर फाइटिंग टाइप मूव बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, सुपर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट यूज़ कर रहा है, फिर भी मैं और एक बार ब्रिक ब्रेक लगाता हूँ, अगर वो पोकेमॉन आता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा। तो मैंने स्वॉर्ड डांस लगा दिया, मेरे को लगा नहीं था कि वो जल्दी से लेके आएगा, मेरे को लगा था ये 1-2 बार और रुकेगा, मेरा स्पेशल अटैक डाउन करेगा, पर फिर भी ये लेके आया, और इसके बाद फिशर है इस चार्जर। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर डियाल्गा लेके आते हैं। तो ये फिशर से इम्यून है, अब सबको पता है इसके पास लेविटेट एबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट यूज़ करते हैं गाइज, क्योंकि मेरा स्पेशल डिफेंस जो है हद से ज़्यादा कम है और इसका जो होल्ड आइटम है उसको मेरे को ख़राब कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जी मूव लगा के उसका होल्ड आइटम ख़राब करते हैं। वो उसको तकरीबन 38 या फिर 36% स्पेशल अटैक देता है, तो वो थोड़ा सा खतरनाक है मेरे लिए। अब मैं लेके आता हूँ स्वॉम्पर्ड को, हालांकि इसका फिशर है, पर जब मैं देखूंगा ये फिशर लगाने वाला होगा मैं फिर से डियाल्गा ले आऊँगा। तो अब मैं डियाल्गा लेके आता हूँ, मेरे को पूरा यकीन है कि ये फिशर जैसा कोई मूव ट्राई कर सकता है या फिर कोई और मूव ट्राई कर सकता है, पर उसने पोकेमॉन बदल दिया। मेरे ख्याल से आपको पोकेमॉन बदलने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी आपने बदल दिया तो बदल दिया। अब मैं डियाल्गा यहाँ पर रखा है मैंने, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डियाल्गा बदल देता हूँ। मैं लेके आता हूँ स्नोरलैक्स, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये अगर मैजिशियन जीमो भी यूज़ करता है तो स्नोरलैक्स झेल लेगा आराम से, क्योंकि स्टील एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन है। पर वो लेके आता है अपना फायर डार्क्राय। अब फायर डार्क्राय तो गाइज हमारे टीम में सिर्फ दो पोकेमॉन्स हैं जो फायर टाइप मूव को थोड़े से कहीं ना कहीं थोड़ा सा झेल सकते हैं, एक है स्वॉम्पर्ड और एक है ग्रोडन। पर ग्रोडन के पास डेजर्ट लैंड एबिलिटी है, तो फायर मूव्स के अगेंस्ट वो भी थोड़ा इतना ज़्यादा झेल नहीं पाता। अदर देन स्वॉम्पर्ड हमारी टीम में ऐसा कोई नहीं है जो फायर मूव्स को ठीक से झेल पाए। अब हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टेशन लगाते हैं, ये पोकेमॉन अगर ट्रैप में आ जाता है तो इस पोकेमॉन का काम तमाम हो जाएगा। पर वो ले भेजता है अपने म्यूजिशियन को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से लेके आते हैं हमारा मोबाइल, क्योंकि भाई ये म्यूजिशियन के पास आपने देखा इसके पास ग्रास नोट है, तो जितना आपका हैवी आपका ओपोनेंट रहेगा उतना ज़्यादा ग्रास नोट आपको डैमेज देता है। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, और स्वॉम्पर्ड वन ऑफ द हैवीएस्ट पोकेमॉन में से एक है। तो मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ, मेरे को लगा था वो जी मूव यूज़ करेगा, उसका जी मूव हो चुका है वेस्ट। अब वो लेके था बर्न, हमने ब्रिक ब्रेक यहाँ पर सोचा था, पर प्लेयर ऑफ मैंने सोचा कि मेरे को लगा कि जी मूव लगा दिया तो ये यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं पोकेमॉन, पर उसने बदल दिया, ठीक है। कोई नहीं, हमारे लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग और एक बार डियाल्गा ला के रख देते हैं। मैं नहीं चाहता फिशर वगैरह मेरे को डैमेज दे, ठीक है। अब उसने फ्लेम थ्रोअर यूज़ किया यहाँ पर, तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है डियाल्गा पर, हमें और एक बार रेस्ट यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ी देर हमें कोई और पोकेमॉन ला के खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को लगता है वो पोकेमॉन बदलेगा। तो गेस मेरे को लगता है फिर से शायद म्यूजिशियन आएगा वो, क्योंकि उसके ग्रास नोट है, या फिर वो स्पेशल अटैक डाउन करने की कोशिश करेगा, पर उसके पास ये पालकिया एक्स भी है, तो अब हमें इससे रोकने के लिए स्नोरलैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका जी मूव जो आराम से मेरे ग्रोडन को किल कर सकता है, तो मैं यहाँ पर स्नोरलैक्स लेके इससे ब्लॉक करूँगा पहले, सबसे पहले। उसके बाद हम लोग मडस्लैब वगैरह लगाएंगे, उसके बाद बाइट इस्तेमाल करेंगे, इस पोकेमॉन का किल खत्म कर देंगे। पर ये चेंज कर देता है और फिर से लेके आता है फायर डार्क्राय को। अब मैं यहाँ पर गेंगार ला सकता था, जी मूव लगा के एक रिक्स ले सकता था, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीतना चाहते हैं गाइस, 6-0 से जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा मेरे पास रॉयल बैटल में बहुत ज़्यादा हमला करता है। तो मैंने सोचा आज एक दिन मिला है, इसको थोड़ा सा सबक सिखाई देते कि भाई हमेशा रॉयल बैटल पर हमला मत करना, पर नहीं तो हम लोग ऐसे रॉयल तुम्हारे साथ वर्ल्डिंग में ऐसे ही करेंगे। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगा देता हूँ, ये पकड़ में आ चुका है। चलो जी मूव पड़ा, हम बर्न आ गए, फिर भी हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, अच्छा खासा डैमेज हम दे ही देंगे और दे भी दिया है, मतलब थोड़ा सा ही बचा है। वो इन्फेस्टेशन मार देगा, अभी मैं रेस्ट यूज़ करता हूँ, उसको लगेगा मैं फिशर स्लैश यूज़ करूँगा, पर मैं यहाँ पर रेस्ट यूज़ करता हूँ, नहीं तो वो टॉन्ट ज़रूर यूज़ करता मेरे पर। तो ये उसकी बदकिस्मती हमारे, तो फ़ायदा ही है। अब उसका डार्क्राय जो है मर चुका है, तो अब डार्क्राय के पास ज़्यादा कुछ उसके बाद कोई पोकेमॉन बचे नहीं अदर देन गेंगार। तो मैं यहाँ पर मोबाइल लेके आता हूँ, ठीक है, देखते हैं गेंगार कब आता है। तो गाइज गेंगार फाइनली यहाँ पर आ चुका है, तो इसके बाद डेस्टिनी बॉन्ड है, बस इससे मेरे को डर था, नहीं तो ज़्यादा ये कुछ खतरनाक पोकेमॉन है नहीं मेरे लिए, ठीक है। मेरी टीम में ऐसा कोई स्टाइलर टाइप पोकेमॉन है नहीं अदर देन स्नोरलैक्स जो ना मार पाए। अब मैं यहाँ पर एक आयरन हेड लगा के रुकता हूँ, ठीक है, ब्रिक ब्रेक लगाता हूँ, क्योंकि इस पर डेस्टिनी बॉन्ड हो तो मेरा पोकेमॉन वेस्ट हो जाएगा, पर इसके पास नहीं है या फिर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। भाई यहाँ पर शैडो बॉल यूज़ कर रहा है, स्पेशल अटैक इस ओपोनेंट का बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए शायद इसने शैडो बॉल रखा है अदर देन किल, क्विक किल मूव्स के हिसाब से। अब हम यहाँ पर ब्रिक ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर इसने फिशर यूज़ किया और लकीली मिस हो गया, हमारा तो फ़ायदा ही है। फिशर हमेशा ठिकाने पर नहीं लगता गाइस, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार अगर आपने किसी का बुरा चेहरा देख लिया तो 5 के 5 मिस हो जाते हैं, किसी का अच्छा देख लिया तो 5 के 5 लग भी जाते हैं, कभी कभार सिर्फ एक लगता है। एक प्लेयर पालकिया का भी खेल ख़त्म, नेक्स्ट पोकेमॉन कौन होगा, डियाल्गा। तो भाई ये इसे यहाँ पर स्टेल करने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसके बाद प्रेशर एबिलिटी है और ये यहाँ पर प्रोटेक्ट वगैरह स्पैम करता रहा, और एक बार बैटल में इसे मिला था गाइज में, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका डियाल्गा ने मेरे ग्रोडन का सारे मूव्स ख़त्म कर दिए थे ऐसे प्रोटेक्ट स्पैम कर करके। मतलब प्रेशर एबिलिटी है, प्रोटेक्ट बार बार इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, आपके जो मूव्स होते हैं वो डबल काउंट होते रहते हैं प्रेशर की वजह से। तो मेरे ग्रोडॉन का जो था अर्थक्वेक सारे ख़त्म हो गया, लैंड ऑफ ऑरिजिन भी ख़त्म हो गया, जीमू भी ख़त्म हो गया, मतलब ये पोकेमॉन रेस्ट करता रहा, प्रोटेक्ट करता रहा।
हालांकि हमने वहाँ पर गलती ये की थी कि हमने सिर्फ अटैक प्लस टू पर ही हमला करना शुरू कर दिया था, मेरे को सिक्स कर देना चाहिए था, पर इसको ड्रैगन टेल भी है तो थोड़ा वो तकलीफ दे रहा था, पर यहाँ पर मोबाइल के अगेंस्ट में ज़्यादा तकलीफ दे नहीं पाओगे। इसके बाद स्वॉर्ड डांस है, ह्यूज पावर है, ब्रिक ब्रेक के खेल खाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक आयरन हेड लगाता हूँ। मैच अच्छा था पर 6-0 से हमने जीता तो इतना भी अच्छा नहीं था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस और